अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त साबिर अली और आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल साबिर अली। दोस्त आप सब कैसे हो, मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो दोस्त आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वेबसाइट लेके आया हूं, बहुत कमाल का वेबसाइट है। इस वेबसाइट के जरिए आप बहुत आसानी के साथ किसी भी अकाउंट से पैसे एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे कि आप परफेक्ट मनी से पैसे निकालना चाहते हो या फिर बिटकॉइन से किसी भी अकाउंट से पैसे निकाल कर अपने जेएसकेश इसी पैसे में डालना चाहते हो या फिर आप किसी भी वेबसाइट को यूज़ करते हो जैसे कि अर्निंग करते हो, तो आपके पास स्क्रिल का वॉलेट लाजमी से होना चाहिए। उसमें आपको वेरीफाइड का कोई प्रॉब्लम आता है, लेकिन इस वेबसाइट से आप स्किल का अकाउंट, बहुत सारे ऐसे अकाउंट फ्री में हासिल कर सकते हो। मैं आपको दिखाने वाला हूं, यह वेबसाइट बहुत कमाल का वेबसाइट है, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को थोड़ा सा स्किप ना करना है। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से पेयर से पैसे निकालकर जेएसकेश इजी पैसा भी निकालोगे, मैं आपको मुकम्मल तरीका बताने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को थोड़ा सा स्किप ना करना है। वीडियो की तरफ बढ़ते हुए मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो यार चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में दबा दीजिए बेल के आइकन को ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आपका बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्त फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, यहाँ पर लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसे आप मेरे लिंक पे क्लिक करोगे तो आप कुछ इस तरह के वेबसाइट में आ जाओगे, ठीक है। तो इस वेबसाइट को कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, मैं आपको मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगा कि यहाँ पर मैं आपको इसका क्रिएट अकाउंट करने का तरीका बताऊँगा, आपको अकाउंट कैसे इसका क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा है क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऊपर वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लाजमी से काम करना है, क्योंकि अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आप इससे पैसे एक्सचेंज करें। और जैसे कि आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, जैसे कि आप परफेक्ट मनी में कुछ पैसे पड़े हो तो आप इसमें डिपॉजिट करके पैसे जेएसकेश इसी पैसे में निकालना चाहते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लिया, उसके बाद आपको करना है कि यहाँ पर अपना यूज़र नेम लगा लेना है, ठीक है। मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा, और इसके अलावा यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस और यहाँ पर नीचे आपको पासवर्ड और रीट्राई पासवर्ड, ठीक है। रीट्राई पासवर्ड लगाने के बाद यूज़र नेम लगाना कोई भी मुश्किल की बात नहीं। आप जैसे कि यहाँ पर मैं साबिर अली 300 लिख लेता हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं, पीछे आपको नंबर लिख लेना, या फिर आप चाहे अली एक्सचेंज भी लिख सकते हो, कोई भी मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, आपके ईमेल में एक मैसेज आएगा, वहाँ पर वो कोड कॉपी करके यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, मैंने पहले से इसको रजिस्टर करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद ही मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने पहले भी पेयर टू जेएसकेश में पैसे निकाले हैं, ठीक है, 725 रुपये, ठीक है। तो अभी मैं फिर से पेयर से पैसे निकालूंगा जेएसकेश में, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान वेबसाइट है और बहुत कमाल का वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ पेयर नहीं मिल जाता, परफेक्ट मनी, बिटकॉइन, बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से पेयर से जेएसकेश इसी पैसे में पैसे एक्सचेंज करोगे, ठीक है। आपके पेयर अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास पेयर में $5 पड़े हुए हैं, तो ये $5 निकालूंगा अपने जेएसकेश में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पेयर अकाउंट में दिखा देता हूँ, मेरे पास टोटल $5 है। तो यहाँ पर अपने वेबसाइट में जाता हूँ जहाँ से मैं अपने पैसे एक्सचेंज करना चाहता हूँ। सिर्फ पेयर से नहीं, आप परफेक्ट मनी, बिटकॉइन, स्क्रिल अकाउंट बहुत मुश्किल बनता है, यहाँ पर आप जानते हो कि वेरीफाइड करना इसको थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप इस वेबसाइट में बिल्कुल फ्री में एक्सचेंज भी कर सकते हो बिना कोई टेंशन के, ठीक है। जैसे कि आप कोई अर्निंग वेबसाइट यूज़ कर सकते हो तो वहाँ से आप डिपॉजिट करके आसानी के साथ इस वेबसाइट में पैसे डाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सचेंज करने का तरीका बताता हूँ, जैसे कि अभी मैं पेयर से पैसे निकालूंगा अपने जेएसकेश में, ठीक है। आप किस तरीके से एक्सचेंज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर 3 फ्लैश का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक्सचेंज का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। चाहे तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर नीचे भी आपको क्विक लिंक्स पर मिल जाता है यहाँ पर एक्सचेंज, तो यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्सचेंज पर क्लिक कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक्सचेंज पर क्लिक करने के बाद आप बिटकॉइन से सेंड करना चाहते हो पैसे, परफेक्ट मनी से, इजी पैसा से, जेएसकेश से, किसी भी अकाउंट से पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेयर से पैसे निकाल कर अपने जेएसकेश में डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रेट भी बिल्कुल कम है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा अपना जेएसकेश सिलेक्ट कर लूँगा। जेएसकेश सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पीकेआर बिल्कुल सस्ता मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर किसी भी अकाउंट से आप पैसे निकालते हो या फिर किसी भी वेबसाइट से पैसे आप एक्सचेंज करते हो तो आपको $140 का मिल जाता है $1 हिसाब से। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल महंगा रेट में मिल जाता है, जैसे कि $145 में यहाँ पर $1 आपको मिल जाता है एक्सचेंज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं करूँगा कि यहाँ पर टोटल लिखूँगा $5 मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ, और $5 लिख के यहाँ पर मैं टोटल मेरे पास ₹725 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ₹725 यहाँ पर एक्सचेंज पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको मुकम्मल तरीका बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है एक और भी काम कर लेना है, अपना पेयर अकाउंट जो है ना अपने क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास $5 है और अभी मैं यहाँ से इसको एक्सचेंज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं वेबसाइट में आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं एक्सचेंज पर क्लिक कर लेता हूँ।
जैसे मैंने एक्सचेंज पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पर मेरे पास दूसरा कोई इंटरफेस नज़र आ चुका है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रोसेस, तो हमें करना है कि अपना ईमेल एड्रेस जेएसकेश का लगाना होगा। तो हम जेएसकेश का अपना ईमेल एड्रेस लगा लेते हैं। हाँ, कोई भी ईमेल एड्रेस हो, सिर्फ जेएसकेश का नहीं, सिर्फ आप कोई भी ईमेल एड्रेस लगा सकते हो, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने जेएसकेश का नंबर लगाऊंगा, ठीक है। आपको जेएसकेश का नंबर लगाना होगा, तो यहाँ पर मैं जेएसकेश का नंबर लगा लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने जेएसकेश का नंबर लगा लिया, यहाँ पर प्रोसेस एक्सचेंज पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे आप प्रोसेस एक्सचेंज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी ये बोल रहा है कि आपको 725 रुपये मिलेंगे अगर आप हमें सेंड करेंगे आप पेयर से $5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर कन्फर्म आर्डर पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कन्फर्म आर्डर, तो यहाँ पर मैं कन्फर्म ऑर्डर पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने कन्फर्म ऑर्डर पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पर मेरे पास दूसरा कोई इंटरफेस आ चुका है, तो यहाँ पर मेरा डायरेक्ट यहाँ पर पेयर वॉलेट में जा चुका है, ठीक। तो उसके बाद आपको करना है कि यहाँ पर आपको पेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पेयर में पैसे पड़े हुए हैं, तो आपको पेयर पे क्लिक करना होगा। जैसे आप पेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक चला जाएगा, आगे यहाँ पर मेरे पास $5 पड़े हुए हैं, तो अभी मैं करूँगा क्या, $5 सेंड करूँगा उस अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कन्फर्म पे क्लिक करना होगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कन्फर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने कन्फर्म पे क्लिक कर लिया तो उसके बाद मेरे पास दूसरा कोई इंटरफेस नज़र आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी ये बोल रहा है कि एक मिनट, थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि टू द पेमेंट, तो यहाँ पर हमारे पास सेंड हो रहा है। यहाँ पर अभी ये बोल रहा है कि आप $5 सेंड करना चाहते हो या फिर नहीं, तो हम कन्फर्म पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कन्फर्म पे क्लिक कर लिया तो मेरे पास टोटल $5 पड़े हुए थे, अभी $5 उस वेबसाइट में जाएंगे। तो यहाँ पर अभी ये बोल रहा है कि वेट सोन योर ऑर्डर, तो यहाँ पर मेरा जितने भी पैसे थे $5 वो चले गए हैं इस अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और देखते हैं कि हमारे जेएसकेश में पैसे आते हैं या फिर नहीं। तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर मेरे $5 जो है अभी गए हैं, ठीक है, उस अकाउंट में, ठीक है। तो मैं इसको एक्सचेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर अभी हम वेट कर लेते हैं कि हमारे जेएसकेश में पैसे आते हैं या फिर नहीं। तो हमने एक्सचेंज तो कर लिया है और यहाँ पर जाएंगे अपने होम में, तो यहाँ पर मेरे 2 एक्सचेंज हो चुके हैं और यहाँ पर ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे पेयर में अभी मेरे पास पैसे आ चुके हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ आधा घंटा वेट कर लिया, कम से कम 15 मिनट के अंदर आ जाते हैं पैसे। तो यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पर अभी देखते हैं कि हमारे पास मैसेज भी आ चुका है, अभी तक हमने रीड भी नहीं किया है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो 2000 रुपये मेरे पास पहले से पड़े हुए थे और यहाँ पर 734 रुपये आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 725 रुपये मेरे पास पैसे आ चुके हैं और मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो, ये नज़र आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास 725 रुपये आ चुके हैं, मैंने बस एक्सचेंज कर लिया वहाँ से, ठीक है, पेयर से जेएसकेश में पैसे एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो तो मैंने पैसे तो निकाल लिए, अभी हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर मैंने एक्सचेंज करने का आपको बता दिया है और अभी आपको बताऊँगा कि आप डिपॉज़िट कैसे करोगे। जैसे कि आप डिपॉज़िट करना चाहते हो, किसी भी वेबसाइट को यूज़ करते हो, वहाँ से अर्निंग करते हो, तो आपके पास स्क्रिल का वॉलेट नहीं होता है या फिर वहाँ से वॉलेट वेरीफाइड करना उसको लाजमी होता है, वॉलेट होता है तो, लेकिन इसमें आपको वॉलेट बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। तो यहाँ से अभी मैं आपको बताऊँगा, ये तो मैंने पैसे तो एक्सचेंज कर लिए, अपने जेएसकेश में पैसे निकाल लिए, विड्रा कर लिया, तो आप इस तरीके से पेयर से पैसे जेएसकेश में हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि आप डिपॉज़िट कैसे करोगे। यहाँ पर आपको वॉलेट पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर वॉलेट पे क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, तो लोडिंग कंप्लीट होने के बाद मैं आपको आगे बताऊँगा। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो मेरा ये लोडिंग कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर अभी चाहे तो आपके पास अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, जैसे कि आप डिपॉजिट करते हो तो आप यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हो और सेंड मनी भी कर सकते हो, विड्रॉल भी कर सकते हो। तो मैंने डायरेक्ट एक्सचेंज करने का तरीका आपको बताया था और अभी मैं आपको बताऊँगा कि आप डिपॉजिट कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट पर क्लिक करना होगा, ठीक है, और डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट अपना सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जेएसकेश में डिपॉजिट कर लेता हूँ, जेएसकेश में, जैसे कि मैं अपना पीकेआर लिख लेता हूँ, जेएसकेश या इजी पैसा मैं रख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं इजी पैसा रख लेता हूँ। और कितना पैसा डिपॉजिट करूँगा, कम से कम 725 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 725 रुपये डिपॉजिट कर लेता हूँ अपने Easypaisa से, एक तरीका आपको बता रहा हूँ और मैं यहाँ पर डिपॉजिट करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर प्रोसेस डिपॉजिट पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर अभी ये बोल रहा है कि आप 725 रुपया इस नंबर पर हमें सेंड करें, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं ये नंबर मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने Easypaisa में जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास Easypaisa का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैं उस नंबर को मैंने कॉपी कर लिया, तो अभी मैं इसमें डिपॉजिट करूँगा, ठीक है। एक
एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से डिपॉजिट करोगे और किस तरीके से पैसे एक्सचेंज करोगे और किस तरीके से आप विड्रॉल हासिल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं इजी पैसा से उस नंबर को पैसे सेंड करता हूँ और ट्रांजेक्शन आईडी लगा लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है, तो ओपन हो जाइए एप्लीकेशन। तो यहाँ पर अभी ओपन हो चुका है, तो अभी मैं 725 रुपये इसको सेंड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र पर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इजी पैसा अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। वो मैंने नंबर कॉपी किया था और यहाँ पर मैं इसको पास कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने ये नंबर लगा लिया, वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नंबर 999-5155, ठीक है, 999-5155, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से ये नंबर लगा लिया और अभी मैं करूँगा क्या, यहाँ पर वहाँ से मैं 725 रुपये सेंड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 725 रुपये, ठीक है। तो ये तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर इजी पैसे से बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो परफेक्ट मनी से बिटकॉइन से डिपॉजिट कर सकते हो, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया, तो अभी इसके पास 725 रुपये जाएंगे और यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पे नाउ पे क्लिक कर लिया, तो यहाँ पर अभी इसके पास पैसे जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 725 रुपये डिपॉजिट कर लिए हैं इसके, अभी इसमें जो है ना मैं ट्रांजेक्शन आईडी लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर देख लेता हूँ, तो यहाँ पर अभी 725 रुपये जा चुके हैं उसके पास, और यहाँ पर इसको देख लेता हूँ, यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अभी आपको ये ट्रांजेक्शन आईडी लगाना होगा, ठीक है। तो ये रहा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ मैसेज को, और ये ट्रांजेक्शन आईडी जो है ना इसको मैं लाजमी से लगाऊंगा। तो फिर से मैं मैसेज में जाता हूँ और थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ, यहाँ पर न्यू मैसेज में ये ट्रांजेक्शन आईडी मुझे कॉपी करना है ना, तो फिर मैं इस तरीके से थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको पास कर लेता हूँ। वो ट्रांजेक्शन आईडी ये रहा, तो अभी मैं इसको करूँगा कॉपी, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा उस वेबसाइट में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 725 रुपये इसमें डिपॉजिट किए और यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन आईडी लगा लूँगा, ठीक है। और ट्रांजेक्शन आईडी लगाने के बाद यहाँ पर कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है। जैसे मैंने कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक कर लिया, तो यहाँ पर यू आर डिपॉजिट विज कन्फर्म्ड बाय यूआर साइट, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अभी रिव्यू में है, ठीक है, विल रिव्यू एंड अप्रूव। तो हमें आधे घंटे के बाद यहाँ पर मेरे पास डिपॉजिट आ जाएंगे पैसे, तो डिपॉजिट जितने भी किए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास पैसे आ चुके हैं 725 रुपये, जैसे कि मैंने इजी पैसा से पैसे डिपॉजिट किए थे इस वेबसाइट में, 725 रुपये आ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया तक आप किस तरीके से डिपॉजिट करोगे, ठीक है। तो डिपॉजिट करने का तरीका आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आपके पास इस वेबसाइट में आपको बहुत सारे ऐसे वॉलेट बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं, जैसे कि आप किसी वेबसाइट को यूज़ करते हो वहाँ से अर्निंग करते हो, या फिर आपके वेबसाइट में किसी भी वेबसाइट में पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे कि $5 $10 हो, आप यहाँ से इस वेबसाइट में डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको डिपॉजिट पर क्लिक करना होगा, अपना स्किल वॉलेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो वॉलेट कॉपी करके वहाँ से आप सेंड कर सकते हो पैसे, ठीक है। तो कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको प्रूफ दिया है कि इसमें डिपॉजिट के भी पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं करूँगा क्या, ये 725 रुपये निकाल लूँगा अपने जेएसकेश में, ठीक है। तो वहाँ से मैंने डिपॉजिट कर लिया, अभी मैं इसको निकाल भी सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको एक तरीका बताया, ठीक है। तो आप चाहें तो इस वेबसाइट से डिपॉजिट भी कर सकते हो पैसे, एक्सचेंज पर क्लिक करके पैसे एक्सचेंज भी कर सकते हो, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे वॉलेट बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं, जैसे कि स्क्रिल वॉलेट बहुत मुश्किल से बनता है, और पेयर वॉलेट पाकिस्तान में थोड़ा सा बहुत सारे ऐसे वॉलेट बनाने में थोड़ा मुश्किलात होता है, लेकिन इस वेबसाइट को सिर्फ साइन अप करते ही आपके पास बहुत सारे ऐसे वॉलेट बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम करेंगे क्या, अभी 725 रुपये विड्रॉल करने का तरीका बताएंगे, जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट से पैसे डिपॉजिट करके इस वेबसाइट में डाले हैं। तो अभी हम यहाँ पर विड्रॉल पर क्लिक कर लेते हैं, और विड्रॉल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद आपको अपना सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 725 रुपये हैं और यहाँ पर मैं अमाउंट लिखूँगा 725 रुपये, ठीक है। और 725 रुपये लिख लेता हूँ, एक तरीका है, तो यहाँ से मैं 725 रुपये लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जेएसकेश सिलेक्ट कर लेता हूँ और जेएसकेश का और नंबर लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रिक्वेस्ट विड्रॉल पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने रिक्वेस्ट विड्रॉल पे क्लिक कर लिया, तो यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आएगा, तो यहाँ से अभी जो है ना 725 रुपये गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने डिपॉजिट किया था इजी पैसा से, और यहाँ से अभी मैंने निकाल भी लिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास 725 रुपये चल जा चुके हैं अपने जेएसकेश में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास शायद मेल भी आ जाएगा आधे घंटे के अंदर। तो इस तरीके से आप विड्रॉल भी हासिल कर सकते हो इजी पैसा में, जेएसकेश में एक्सचेंज भी कर सकते हो, कोई भी मसला नहीं है। बहुत कमाल का वेबसाइट आज मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, आसान वेबसाइट है, कोई भी मुश्किल की बात नहीं। आप इस वेबसाइट से अर्निंग भी कर सकते हो, जैसे कि आप रेफर बनाओगे तो आप रेफर से भी कमीशन हासिल कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से इस वेबसाइट को ज्वाइन करें, पैसे एक्सचेंज करें और डिपॉजिट करें। और मैं दोस्त में उम्मीद करता हूँ मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई है, दोस्त लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, अल्लाह हाफिज़।